शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म काटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में इस महाविशेष अभियान चलाकर साइबर सेल द्वारा 110 नग मोबाइल सेट रिकवर किए गए, जिसके बाद सभी मोबाइल स्वामियों को पुलिस कार्यालय से वितरित कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए SP संतोष सिंह ने बताया कि आज मोबाइल केवल बातचीत का माध्यम नहीं रह गया है। बहुत से लोग अपनी जरूरत के महत्वपूर्ण कागजात, रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो आदि अपने मोबाइल पर स्टोर कर रखते हैं। मोबाइल गुम या चोरी हो जाने पर वे परेशान होते हैं। साथ ही मोबाइल पर स्टोर महत्वपूर्ण दस्तावेजों के दुरुपयोग की भी संभावना बनी रहती है, जिसे देखते हुए साइबर सेल को विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक मोबाइल रिकवर के निर्देश दिए गए थे। चौथी बार मोबाइल स्वामियों को उनके गुम चोरी हुए मोबाइल वापस किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साइबर सेल की चेतावनी के बाद भी मोबाइल उपयोग कर वापस नहीं कर रहे व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाएगी। इस पूरी कार्यवाही में 110 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइलों की रिकवरी की गई है। इसमें से 85 नग मोबाइल राज्य के रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, बलौदा, बाजार, जांजगीर चांपा, महासमुंद, सूरजपुर, जशपुर, मुंगेली से और शेष 25 नग मोबाइल दिगर प्रांत के जिला आजमगढ़, शहडोल, सतना, राउरकेला, बंदबहाल, सुंदरगढ़, बोकारो, संबलपुर से कोरियर के माध्यम से मंगाए गए हैं। इस महा बरामद किए गए मोबाइलों की कुल कीमत 15 लाख रुपए है। खास बात यह है कि रिकवर किए गए कुछ मोबाइल करीब 35 से 40 हजार के हैं। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी गुम मोबाइल प्राप्त करने कार्यालय आए 52 मोबाइल स्वामियों को SP संतोष सिंह मोबाइल सुपुर्द कर मुस्कुराते हुए बोले कि दोबारा गुमाने की गलती न करना। तब कुछ लोगों ने बताया कि मोबाइल खोने के बाद पाने की उम्मीद छोड़ दिया था। ऐसे में मोबाइल पाकर वे काफी खुश थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। पुलिस के इस कार्य की भी लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। बरामद किए गए कुछ मोबाइल के आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में मोबाइल के घर से चोरी जाना लेख किया गया था। इस पर संबंधित धारा के विरुद्ध FIR दर्ज करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज जो मोबाइल स्वामी SP ऑफिस पहुंच नहीं पाए, वे साइबर सेल जाकर अपना मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं। आजकल जो किसी व्यक्ति के लिए मोबाइल बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु रह गया, यह सिर्फ एक फोन करने का माध्यम नहीं बल्कि उसके तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम तरह की उसकी पहचान जो है उसके मोबाइल में रहती है। तो ऐसे सारे व्यक्ति जिनके पास किसी कारण से या तो मोबाइल चोरी हो जाती है या गुम हो जाते हैं, उसमें वो बहुत परेशान होते हैं। इसको देखते हुए पुलिस रायगढ़ पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान के तहत गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल की तस्दीकी के लिए और उसकी बरामदगी के लिए हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। आज चौथे इस तरह का आयोजन किया गया था। आज लगभग 110 मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कुल चार चरणों में पिछले देखा जाए तो सिर्फ एक साल में ही लगभग 382 मोबाइल जिसकी कीमत 50 लाख के लगभग है, इतने मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी मोबाइल हैं जिसकी कीमत 30,000 से लेकर 40,000 तक भी है। और ये मोबाइल जो है अलग अलग जो छत्तीसगढ़ के जिले, चाहे रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, बड़ौदा बाजार, जांजगीर चांपा, बस्तर से बरामद किए गए। साथ साथ कुछ मोबाइल दूसरे राज्य जैसे सतना, MP, UP जिसमें सतना, आजमगढ़, शहडोल, राउरकेला, सुंदरगढ़, तमाम शहरों से बरामद किए गए हैं। बहुत सारे मोबाइल में संबंधित जो व्यक्ति उसको प्रयोग कर रहा होता है उसको चेतावनी देने मात्र से वो मोबाइल वापस कर देता है। कई सारे मामले ऐसे हैं जिसमें FIR भी दर्ज किया गया है, क्योंकि वो मोबाइल दे नहीं रहे तो इसलिए उसमें FIR की कार्रवाई भी की गई है और आगे भी की जाती रही है। लोगों से ये अपील यही रहता है कि जब भी इस तरह के मोबाइल कभी आप पाएं तो संबंधित थाने में उसको जमा करा दें या संबंधित व्यक्ति को सीधे, अगर मोबाइल आप उसमें किसी तरह से उसमें पहचान हो पाती है कि किसका मोबाइल, तो उसको वापस कर देना चाहिए, अन्यथा ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस जो पूरा अभियान था इसमें साइबर सेल की प्रमुख भूमिका है। साइबर सेल के प्रभारी जो राजेश पटेल, दुर्गेश प्रशांत पंडा, ब्रजलाल गुर्जर, धनंजय कश्यप, महिला रक्षक मेनका चौहान, इन लोगों की जो पूरी टीम है ये मोबाइल लगातार रिकवर करते रहते हैं और आज भी उसी संदर्भ में रिकवर करने के बाद ये मोबाइल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। थैंक यू सर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।